हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। सो जैसे कि हमने अब स्टार्ट किया है एक बॉन्ड मार्केट के ऊपर एक सीरीज। तो कल के वीडियो में हमने देखा था बॉन्ड मार्केट के बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, एंड इसके साथ ही साथ आपको बताया गया था ट्रेजरी बिल्स एंड एसडीएल के बारे में। सो आज हम यहाँ पर सीखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड मार्केट, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आरबीआई के द्वारा इशू किया जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। सो इनकी स्पेशलिटीज क्या है, इनके फीचर्स क्या है, इनके पर्टिकुलर कूपन्स क्या होते हैं, कितने टेन्योर के ऊपर बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, सारी डिटेल देखेंगे आज के वीडियो में। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। सो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड मतलब, जैसे कि कल के सेशन में आपको बताया गया था कि जो भी बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड्स के ऊपर आपको यहां पर कूपन्स रेट आपको दिए जाते हैं, जस्ट लाइक इंटरेस्ट। जस्ट लाइक हमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एफडी के अंदर या फिर आप सेविंग अकाउंट के अंदर अपने पैसे रखते हो, सो आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। ओके, सो इसी तरह अगर आप बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सो आपको यहां पर कूपन्स दिए जाते हैं, कूपन रेट आपको यहां पर दिया जाता है। सो जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में जो भी वेरिएबल कूपन रेट होगा, जो भी आपका कूपन रेट होगा वो आपका वेरिएबल होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। वेरिएबल मतलब जो भी आपका पर्टिकुलर रेट होगा डिसाइड किया जाएगा हर 6 महीने में, यहां पर रीसेट किया जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर रीसेट एट प्री अनाउंस्ड इंटरवल every 6 month और अ ईयर। हर 6 महीने में आपका इंटरेस्ट रेट रिवाइज किया जाता है या फिर हर साल आपका इंटरेस्ट रेट यहां पर रिवाइज किया जाएगा पर्टिकुलर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के अंदर। ओके, सो आप यहां पर पूछोगे किस बेसिस पे यहां पर रिवाइज होगा, सो आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जस्ट लाइक रेपो रेट, आप देखोगे बैंक अकाउंट के जो भी रेट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट रेट। सो हर एक रेट के बेसिस पे यहां पर डिसाइड किया जाता है कि यहां पर बॉन्ड का रेट भी रिवाइज होगा कि नहीं। ओके, सो every 6 month और ईयर यहाँ पर रिवाइज होता है, रीसेट होता है आपका कूपन रेट्स। सो नाउ द नेक्स्ट इज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। सो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड जस्ट ऑपोजिट है आपके फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के। सो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड, जैसे कि नाम ही आपको बता देता है, यहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब यहाँ पर रेट जो है चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। सो ये आपका नोमेनक्लेचर है, जिस तरह से नाम लिखा जाता है बॉन्ड का, दिस इज योर नोमेनक्लेचर ऑफ द बॉन्ड। सो आपको ये सिखाया गया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो सो वीडियो आप रेफर कीजिए। ओके, सो 8.24% आपका यहाँ पर कूपन रेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2018 में इशू किया गया है। सो मान लीजिए ये आपका बॉन्ड इशू किया है अप्रैल 2018 में, इसका टेन्योर है 10 ईयर्स। ओके, सो कूपन पेड हाफ ईयरली एट द रेट 4.12%। सो जब का कूपन रेट रहेगा फिक्स्ड रहेगा, आप यहाँ पर बोलोगे कि मेरा तो यहाँ पर कूपन रेट 8.24 था, बट यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है 4.12। सो आपको बताना चाहूंगा हाफ ईयरली मतलब आपको पूरे साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 4.12। 4.12 अब इसे ऐड करोगे तो पूरे साल का आपका इंटरेस्ट बन जाता है 8.24। सो इनडायरेक्टली आपको पूरे साल में 8.24% आपको मिल रहा है, हाफ ईयरली मिलेगा तो आपको आधा इंटरेस्ट ही दिया जाएगा, पूरा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल अगर आप एनुअली अगर आप देखोगे, आपको यहां पर 8.24% का इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दिस इज योर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड। ओके, सो चलिए आगे बढ़ेंगे। सो नाउ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। सो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को IIBs भी कहा जाता है। ओके, सो नाउ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को समझने से पहले हम यहां पर समझेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन मतलब क्या? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का बढ़ना। जब महंगाई बढ़ती है तो जो पैसे की वैल्यू होती है वो यहाँ पर डाउन हो जाती है, वो यहाँ पर डाउन होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट पे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके लिए आप 500 रुपीज पे कर रहे हो,
इसी प्रोडक्ट के आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद आपको सेम प्रोडक्ट के हो सकता है आपको यहाँ पर 5,000 भी पे करने पड़े। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। यस, यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है एंड जो पैसे की वैल्यू है वो यहाँ पर डाउन हो रही है। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट हम इसीलिए करते हैं कि जो पैसे की वैल्यू डाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखता हूँ या फिर मैं लॉकर में रखता हूँ, अगर आप 1 साल के बाद खोलोगे तो 100 रुपए 100 रुपए ही रहेंगे, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई, बट उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। 1 साल का इन्फ्लेशन अगर आप इंडिया में देखोगे, करंटली अगर हम देखेंगे 4.4% आपका इन्फ्लेशन है। मतलब अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करते अपने पैसे तो आपके पैसे की वैल्यू डाउन हो रही है 4.4% से। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप 100 रुपए अपने आपका लॉकर में आप रखते हो तो उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 95 हो जाएगी। उसकी परचेसिंग पावर 95 हो जाएगी। सो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आपको कैसे हेल्प करते हैं? सो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आपको हेल्प करते हैं अपने प्रिंसिपल को सिक्योर करने के लिए इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। मतलब जो आपका कूपन रेट होगा वो आपका लिंक्ड होगा इन्फ्लेशन के साथ। अब इन्फ्लेशन कैसे हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे? सो इन्फ्लेशन का एक यहाँ पर इंडेक्स होता है जस्ट लाइक WPI और CPI। ओके, सो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कस्टमर प्राइस इंडेक्स। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो दोनों में से कौन सा भी एक यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, एक बेस लेवल होगा जिसके बेसिस पे आपका कूपन रेट डिसाइड होगा। मतलब इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है सो आपका उसके साथ साथ कूपन रेट भी बढ़ेगा, सो दैट आपको इन्फ्लेशन के बराबर आपको यहाँ पर रिटर्न मिल सके एंड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट कर सको। मतलब आपकी पैसे की वैल्यू उतनी की उतनी बनी रहेगी, उसकी वैल्यू यहाँ पर डाउन नहीं होगी। सो इंडिया में यहाँ पर फर्स्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इशू किया गया था जून 2013 में। ओके, सो ये था इन्फ्लेशन के बारे में। सो नाउ स्पेशल सिक्योरिटी बॉन्ड। स्पेशल सिक्योरिटीज, जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि स्पेशल सिक्योरिटीज होती है। यस, स्पेशल सिक्योरिटीज। सो ये इशू की जाती है, गवर्नमेंट इशू करते हैं एक स्पेसिफिक कंपनीज को, जस्ट लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो इस तरह की कंपनीज को इशू किए जाते हैं ये सारे बॉन्ड, दैट इज मीन स्पेशल सिक्योरिटीज। सो इन्हें यहां पर ऑयल मार्केटिंग बॉन्ड भी कहा जाता है, फर्टिलाइजर बॉन्ड भी कहा जाता है एंड फूड कॉरपोरेशन बॉन्ड भी कहा जाता है। सो इनकी क्या स्पेशलिटी है? सो जब भी आप पर कंपनीज अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने पे आपको सब्सिडीज देते हैं। सब्सिडीज यानी कुछ पैसे आपको रिटर्न करते हैं, कुछ चीजों में आपको छूट देते हैं। सो गवर्नमेंट ऐसे ही आपको यहाँ पर छूट नहीं देते, आपको इसके बदले, अगर एक कंपनी को कोई सब्सिडीज अगर चाहिए तो इसके बदले कंपनीज को यहां पर एक बॉन्ड परचेस करने पड़ेंगे। ओके, सो कंपनसेशन टू दिस कंपनीज इन लियू ऑफ कैश सब्सिडीज। जो भी यहां पर कंपनीज को कैश सब्सिडी मिलेगी उसके लिए यहां पर कंपनीज को ये बॉन्ड सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, तो ही यहां पर कंपनीज को सब्सिडीज मिलेगी। सो दिस इज अ स्पेशल सिक्योरिटीज जो बनाई गई है ओनली फॉर द कंपनीज हु आर गेटिंग द सब्सिडीज। ओके, सो ये द टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। और भी यहां पर बहुत सारे बॉन्ड है वो हम डिस्कस करेंगे और ज्यादा डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में। सो टिल दैट टाइम, अगर आपको और किसी तरह कोई फाइनेंस के रिलेटेड टॉपिक्स पे या फिर बॉन्ड के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पे आपको और भी न्यू वीडियोस अगर चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेंशन कीजिए। जो भी आपके न्यू वीडियोस है, जो भी आपके डिमांड है, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो टिल द टाइम, गुड बाय एवरीवन।